भक्ति की ये कथा मान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। राजा जगभूति अपनी दोनों राजकन्याओं प्रभूति तथा विभूति के साथ दोनों भाइयों का विवाह करके सारा राजपाट उन्हें सौंपने का निर्णय कर चुका था। नर नारायण विनय पूर्वक राजा जगभूति का ये प्रस्ताव अस्वीकार करके भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शनों का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभूति तथा विभूति तो पहले ही नर तथा नारायण को मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ये दोनों राजबालाएं भी नर नारायण के पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करती हैं। जब आकाश मार्ग पर भ्रमण करते हुए नारद हिमालय के हिम शीतल शिखर पर हिम शिवलिंग के सम्मुख नर तथा नारायण को अखंड आराधना करते देखते हैं तो उनका मन शिव भक्ति से गदगद हो उठता है। नारद के मुंह से नर नारायण की कठोर तपस्या का समाचार सुनकर इंद्र तथा शची को भ्रम हो जाता है कि वे दोनों भाई स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार करने के उद्देश्य से शिवाराधना कर रहे हैं। नर नारायण का तप भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदरतम अप्सराओं मेनका तथा रंभा को हिमालय भेजते हैं। जब मेनका तथा रंभा अपना हट नहीं छोड़ती तो नारायण अपनी जंघा अर्थात उरु से एक अनिंद सुंदरी अप्सरा उर्वशी को प्रकट करते हैं, जिसे देखते ही मेनका तथा रंभा का सौंदर्य गर्व खंडित हो जाता है। वे तीनों नर नारायण का आदेश पाकर उनकी शिव भक्ति का अभिवादन करती हुई स्वर्ग की ओर प्रयाण करती हैं। शिव के परम भक्त नर नारायण की अनुपम शिव भक्ति कैलाश पति शिव शंकर को हिमालय के केदारनाथ शिखर पर प्रकट होने के लिए विवश कर देती है। शिव नर नारायण के उस शिवलिंग को अपनी शिव ज्योति प्रदान करते हैं। अर्धनारीश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की कामना मन में लिए देवर्षि नारद कैलाश पहुंचते हैं। शिव अपने परम भक्त नारद की प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन कराते हैं। नारद की जिज्ञासा का समाधान करते हुए शक्ति उनसे कहती है कि जन जन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वे शिव के आदेश के अनुसार पुनः नारी रूप में अवतार धारण करेंगी। आदि शंभु स्वरूप मुनिवर चंद्रशीष जटाधरम मुंडमाल विशाल लोत
चन वाहनौ वृषभध्वजम् नागचर्म त्रिशूलडमरु भस्म अंग विहंगमम् श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव परम शिव भक्त गुरुवंशी महाराज नहुष की जय। महाराज एक वर्ष से चल रहा आपका रुद्राभिषेक अनुष्ठान आज पूर्ण हुआ। इस अवसर पर राज्य भर में प्रजा शिव आराधना का उत्सव मना रही है। महामंत्री हमारी प्रजा भगवान शिव की भक्ति में अनुरक्त है, यह सुनकर मन प्रसन्न हुआ। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले महाराज नहुष की शिव भक्ति का अनुसरण करना प्रजा अपना कर्तव्य समझती है। महाराज ये सब भगवान शिव की कृपा का फल है। महामंत्री हमारी निर्विघ्न शिव पूजा तथा रुद्राभिषेक की पूर्णावती पर प्रजाजनों में पुरस्कार वितरित किए जाए। जो आ गया महाराज। राज्य के कोने कोने में भगवान शिव के नाम की ध्वनि गूंजे, प्रजाजनों से हमारी यही प्रार्थना है। प्रजापालक परम शिव भक्त महाराज नहुष की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। महादेव इस जीवन में जो चाहा वो आपने प्रदान किया, अब तो बस एक ही इच्छा शेष है प्रभु कि आपके चरणों में सदा सदा के लिए स्थान पा जाऊं। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय 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 महादेव शिव शंकर। आपने स्वयं प्रकट होकर हमें कृतार्थ कर दिया, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए प्रभु। शिव भक्तों में श्रेष्ठ नहुष, तुम्हारी शिव भक्ति तथा धर्म पूर्वक शासन व्यवस्था मनुष्यों के लिए आदर्श है। तुम्हारी शिव भक्ति ने हमें यहां आने के लिए विवश कर दिया, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहते हो? आपके चरणों में अटूट भक्ति के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। परंतु नहुष, अटल शिव भक्ति से तुमने महान पुण्य अर्जित किया है, जिसके फलस्वरूप तुम इसी देह के साथ स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए हो। नहीं भोलेनाथ, नहीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। यह निष्काम शिव भक्ति हमने स्वर्ग पाने की कामना से नहीं की थी। अपने महान पुण्य से तुमने विधि का यह विधान भी बदल दिया कि मनुष्य सदैव स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं प्रसन्न हूं कि मेरा एक आदर्श भक्त सदैव स्वर्ग जाएगा। नहुष, शिव भक्ति तथा धर्म का प्रकाश हर ओर करते हो, तुम्हारा कल्याण। भोलेनाथ,
प्रभु। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। पधारिए, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। आहा, आपको स्वर्ग के सुख का आनंद भोगते देखकर मन आनंद मग्न हो जाता है। आप दोनों जैसा भाग्यशाली और कौन होगा। हम तो सदा ही आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी यहाँ कर रहिए, स्वर्ग का आनंद लीजिए। नारायण नारायण। भगवान शिव प्रभु विष्णु की आराधना में जो आनंद है उसी से मैं तृप्त हूं। यहाँ इन सुंदर देवांगनाओं के बीच में आकर
भला मैं अखंड ब्रह्मचारी क्या करूंगा? परंतु परंतु क्या देवर्षि? आपको आनंद मनाते देखकर कभी कभी मन में चिंता होने लगती है देवराज। कैसी चिंता देवर्षि? यही कि आप तो स्वर्ग के सुख में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको स्वर्ग की सुरक्षा का ध्यान ही नहीं रहता। स्वर्ग की सुरक्षा? मैं समझा नहीं मुनिवर। नारायण नारायण, तनिक सोचिए देवराज, क्या बार बार दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके आपको स्वर्ग के सिंहासन से वंचित नहीं किया? पता नहीं कब कोई दैत्य वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर बैठे, या फिर शिव शक्ति का कृपा पात्र कोई मानव ही आ पहुंचे। देवर्षि, आपका संकेत भविष्य में होने वाली किसी घटना की ओर तो नहीं? मैं तो आपका शुभचिंतक हूं देवराज, मन में आपकी सुरक्षा की भावना उमड़ पड़ी, चला आया आपको सावधान करने। अब आज्ञा दीजिए देवराज। नारायण नारायण। स्वामी, देवऋषि नारद सचमुच हमारे शुभचिंतक हैं, हमें उनकी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। देवी व्यर्थ चिंता कर रही हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शक्ति उपासक त्वष्टा ऋषि को मित्र बनाकर मैं पृथ्वी से सदैव स्वर्ग ले आया हूं। जय मातृ महाशक्ति। मातृ महाशक्ति की कृपा से समस्त देवतागण, देवराज इंद्र एवं महारानी शची प्रसन्न हूं। पधारिये त्वष्टा ऋषि, पधारिये। ऋषिवर, हम आप ही का स्मरण कर रहे थे। हमें स्मरण करने की ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी देवी? ऋषिवर, पहले आप ये बताइए कि स्वर्ग लोक में आकर आप प्रसन्न तो हैं, आपकी सुख सुविधा में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं हुई? मित्रवर, पृथ्वी से स्वर्ग लोक आने पर आप सबके आदर सत्कार ने हमें आनंद विभोर कर दिया है। हमें तो अब चिंता होने लगी है, कहीं हम अपना कर्तव्य ना भूल जाएं। नहीं नहीं ऋषिवर, आप व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, आप तो महान शक्ति उपासक हैं, आप पर मां शक्ति की कृपा है, फिर चिंता कैसी? परंतु देवराज इंद्र, आपने हमें स्मरण करने का कारण नहीं बताया। ऋषिवर, हम भविष्य में घटने वाली किसी अप्रिय घटना से चिंतित हैं। स्वर्ग लोक में रहते हुए भला आप किस भय से भयभीत हैं? ये स्वर्ग सुरक्षित नहीं है मित्रवर, हमारी तनिक सी असावधानी किसी शत्रु को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह स्वर्ग सदा के लिए किसी दुर्ग के समान सुरक्षित हो जाए। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे देवराज। मैं आपको समझाती हूँ ऋषिवर, आप महान शक्ति उपासक हैं, माँ शक्ति की कृपा से आपने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन सिद्धियों के द्वारा आप असंभव को संभव कर सकते हैं। हम कुछ समझ नहीं सके देवी, आप कहना क्या चाहती हैं? मित्रवर, आप स्वर्ग के चारों ओर ऐसा एक अभेद शक्ति कवच बनाइए जिसे कोई भेद न सके, हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई स्वर्ग में प्रवेश न कर सके। नहीं नहीं, स्वर्ग की रक्षा के लिए तो स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव ने भी कुछ नहीं किया, तो भला हम क्या कर सकते हैं? आप महान शक्ति उपासक हैं, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा करना हमारी सिद्धियों का दुरुपयोग होगा देवराज। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। अर्थात आप अपने मित्र की कोई सहायता नहीं करेंगे? हम आपको पृथ्वी से स्वर्ग लोक लेकर आए हैं, देव दुर्लभ सुख प्रदान किया, उसका आप हमें ये उपहार दे रहे हैं। अब समझ में आया देवराज इंद्र, आप हमें मित्र बनाकर नहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी से यहां लाए हैं। यही समझ लीजिए। तो आप भी समझ लीजिए देवराज इंद्र, आपकी इच्छा अनुसार तंत्र मंत्र का प्रयोग करके हम अपनी सिद्धियों को भ्रष्ट नहीं होने देंगे, ये मातृ महाशक्ति का अपमान होगा। हम आपसे स्वर्ग की सुरक्षा चाहते हैं, उपदेश नहीं। स्वार्थी इंद्र,
तुम हमें पथ भ्रष्ट करना चाहते हो? अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए शक्ति आराधना से प्राप्त हमारी सिद्धियों को समाप्त करना चाहते हो? हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। यदि आप स्वर्ग की सुरक्षा का उपाय नहीं कर सकते तो फिर आपकी यहां आवश्यकता ही क्या है? निकल जाइए स्वर्ग से, निकल जाइए। हम तुम्हारी प्रार्थना पर यहां आए थे। स्वर्ग के सुखों का प्रलोभन हमें न तब था न अब है। तुमने अपने स्वार्थ के कारण हमारे साथ मित्रता का मिथ्या स्वांग रचा था। अब उसी मित्रता का अपमान करके हमें स्वर्ग से बहिष्कृत कर रहे हो। तुमने हमारा नहीं, मातृ महाशक्ति का अपमान किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। स्वयं मातृ महाशक्ति तुम्हें दंड देंगी। जय मातृ महाशक्ति, जय मातृ महाशक्ति, जय मातृ महाशक्ति। अष्टऋषि, इतनी आवेश में, इतनी क्रोध में, तो अष्टऋषि आप कहां जा रहे हैं? हमें स्वर्ग का वैभव नहीं चाहिए देवगुरु। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूं। परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया ऋषिवर? देवगुरु बृहस्पति, इंद्र के मन में कपट था। अपने स्वार्थ के लिए वो मुझे पृथ्वी लोक से स्वर्ग ले गया। उसके कहने पर जब मैंने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करना अस्वीकार कर दिया तो उसने मुझे अपमानित किया। अब आप ही बताइए, एक स्वाभिमानी व्यक्ति वहां कैसे रह सकता है? नहीं, यह ठीक नहीं किया इंद्र ने। आप अपना क्रोध शांत कीजिए ऋषिवर, और चलिए मेरे साथ, मैं इंद्र को समझाता हूं। नहीं देवगुरु बृहस्पति, अब यह असंभव है। अब मैं पृथ्वी लोक जाकर आपके इंद्र को दिखा दूंगा कि त्वष्टा का अपमान करने का प्रणाम क्या होता है। प्रणाम। बहुत अभिमान हो गया है त्वष्टा को अपनी सिद्धियों पर। हमारे ही स्वर्ग में हमारा ही अपमान करके चला गया। शांत हो जाइए स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। तनिक सोचिए, अपमान तो आपने किया है उनका। वे शक्ति साधक हैं, पता नहीं क्या कर बैठे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है स्वामी, आप उन्हें समझा कर ले आइए ना। त्वष्टा जैसे साधारण मानव को मनाने जाऊं? नहीं सची, नहीं। हम स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। देवराज, त्वष्टा ऋषि भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रणाम देवगुरु। त्वष्टा ऋषि को स्वर्ग से बहिष्कृत करके आपने ये कैसा अनर्थ कर डाला? क्या आपको उनकी सिद्धियों का पता नहीं? इसी उद्देश्य से हम उन्हें मित्र बनाकर स्वर्ग ले आए कि स्वर्ग की सुरक्षा के लिए उनकी सिद्धियों का उपयोग करेंगे, किंतु उन्होंने हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया। इसमें हमने अनुचित क्या किया देवगुरु? देवराज, आपने बहुत बड़ी भूल की है। इस भूल का परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये सब करने से पहले आपको मुझसे परामर्श तो करना चाहिए था। देवगुरु, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, उन्हें स्वर्ग छोड़कर जाने से रोकिए। नहीं देवी, नहीं, अब कोई उपाय काम नहीं आएगा। क्रोध की ज्वाला में जलते शक्ति के उपासक त्वष्टा को रोकना असंभव है। कपटी इंद्र, मैं अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करने जा रहा हूं, किंतु तेरे हित के लिए नहीं, परंतु तेरे विनाश के। सिद्धियों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, आओ और मेरा मनोरथ पूर्ण करो। ओम आगच्छ, आगच्छ, ब्रह्म ब्रिं ध्रुम स्वाहा, कां क्रीं क्रुं स्वाहा।
शक्ति कुंजिकाय नमः स्वाहा। देवराज 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 प्रणाम देवराज। क्या बात है, आप लोग इतने व्यग्र क्यों? पृथ्वी पर पहुंचकर त्वष्टा ऋषि ने कठोर शक्ति आराधना प्रारंभ कर दी है देवराज। क्या कहा, त्वष्टा ने शक्ति आराधना आरंभ कर दी? देवराज 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 क्षमा करें देवराज, प्रत्येक हवन के साथ उनकी सिद्धि बढ़ती जा रही है। स्वामी, त्वष्टा ने घोषणा की कि अपने सम्मान का बदला वह अवश्य लेंगे। हमें समय से पहले सावधान हो जाना चाहिए देवदेव, तो अष्टा ऋषि की यह सिद्धि सचमुच असाधारण होगी। पवन देव। आज्ञा देवराज। वरुण देव। आज्ञा दीजिए देवेंद्र। अग्निदेव। आज्ञा देवराज। आप सब अपनी अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाइए, ऐसा प्रयत्न कीजिए कि त्वष्टा की शक्ति आराधना पूर्ण न होने पाए। जो आज्ञा देवराज। हम आपकी आज्ञा अनुसार त्वष्टा ऋषि की शक्ति आराधना कभी पूर्ण न होने देंगे। मेरी समस्त सिद्धि हो, प्रकट हो, अब आकर मेरी इच्छा पूर्ति करो। आगच 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 ओम क्रांति स्वाहा। आगच 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 ओम हां भिंग भूंग स्वाहा। ओम भिंग 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 स्वाहा। ओम क्रांति भिंग भूंग स्वाहा। ओम क्रांति पुत्र विश्वरूप त्रिश्रा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरी समस्त शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं पुत्र त्रिश्रा, तुम मेरी सिद्धियों का फल हो। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए तुम प्रकट हुए हो। धन्य हो मेरी सिद्धियों, धन्य हो मेरी सिद्धियों, धन्य हो। देवराज 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 अनर्थ हो गया देवराज, देवराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज। अनर्थ कैसा अनर्थ, क्या आप लोग त्वष्टा के शक्ति यज्ञ को रोक नहीं पाए? नहीं देवराज, त्वष्टा की शक्ति के सम्मुख हमारी एक न चली। क्या हुआ ये तो बताइए। त्वष्टा ऋषि का यज्ञ पूर्ण हुआ देवराज, अग्नि कुंड से तीन सिरों वाला एक विचित्र प्राणी प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है देवराज ये त्रिशिरा राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली है। त्रिशिरा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।
त्वष्टा के शक्ति यज्ञ से उत्पन्न त्रिशिरा के भय से देवराज इंद्र उद्विग्न हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि त्रिशिरा अवश्य ही उनके लिए संकट उत्पन्न करेगा। ये सोचकर इंद्र त्वष्टा की अनुपस्थिति में चुपचाप उनके आश्रम पर पहुंचे तथा यज्ञ पुत्र त्रिशिरा का वध कर डाला। है त्रिशिरा, मेरे यज्ञ पुत्र विश्वरूप त्रिशिरा, ये क्या हुआ? कौन है वो दुष्ट जिसने तेरी हत्या का जघन्य अपराध किया है? कौन है वो जिसने मेरी सिद्धियों के फल को निष्फल कर दिया है? ये कुकृत्य करने वाला कौन है? कौन है? सिद्धियों, यदि तुमने अपने यज्ञ फल को बचाने की शक्ति नहीं है तो फिर मेरे जीवन का अर्थ ही क्या है? यदि मैं अपने अपमान का प्रतिशोध न ले सका तो मेरे जीवित रहने का क्या अर्थ? ऐ निर्बल सिद्धियों, तुम भी मेरे संग नष्ट हो जाओ। मैं इस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। ठहरिए यज्ञ पिता तुष्टा। तात, वर्षों की तपस्या से प्राप्त अपनी सिद्धियों को क्यों नष्ट करने जा रहे हैं आप? हताश ना हो यज्ञ पिता, कपटी इंद्र ने मेरे शरीर का विच्छेद किया है, किंतु आपके यज्ञ फल की शक्ति अब भी जीवित है। कपटी इंद्र, इंद्र, कपटी इंद्र, तूने मेरे यज्ञ फल को नष्ट करने का दुस्साहस कैसे किया? यज्ञ पिता, आपकी सिद्धियों में अपार शक्ति है, आप पुनः अपनी सिद्धियों का आवाहन करें, मैं और भी शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। अवश्य अवश्य। क्या मेरे यज्ञ फल की शक्ति जीवित है, वो और भी शक्तिशाली रूप में प्रकट होगी? मैं इंद्र से अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकता हूं। ऐ मेरी सिद्धियों, यज्ञ फल के रूप में मेरे समक्ष पुनः प्रकट हो। आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मैं आपका यज्ञ पुत्र वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ हूं। मेरे शरीर में प्रसार की अपार शक्ति है। मैं इस वृत्र शरीर को अपनी इच्छानुसार बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बना सकता हूं। मुझे तुम्हारी शक्ति पर अटूट विश्वास है वृत्रासुर, किंतु मेरी कार्य सिद्धि के लिए तुम्हें अमरत्व प्राप्त करना होगा। अमरत्व? अमरत्व प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है ताज? आवश्यकता है, मैंने तुम्हें अपनी सिद्धियों द्वारा प्रकट किया है, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान नहीं कर सकता।
किंतु मेरे कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हें अमरत्व प्राप्त करना होगा। कहिए यज्ञ पिता, मुझे अमर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या। अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे अमरत्व का वर प्राप्त करो। केवल वे ही तुम्हें अमर बना सकते हैं। जो आज्ञा यज्ञ पिता। मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवश्य तपस्या करूंगा और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे अमरत्व का वर प्राप्त करूंगा। वत्सव्रत, हम तुम्हारी एकाग्र तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो क्या चाहते? मुझे अमर होने का वरदान चाहिए ब्रह्मदेव। तुम त्वष्टा के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए हो, उनकी सिद्धियों का फल हो। जो उत्पन्न होता है वो अमर नहीं हो सकता। कोई अन्य वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यज्ञ पिता त्वष्टा की आज्ञा है कि मैं आपसे अमरता का वरदान प्राप्त करूं। जब तक मुझे अमरता का वरदान प्राप्त नहीं होता, मैं अपनी तपस्या भंग नहीं करूंगा। आपको विवश होकर मेरा इच्छित वरदान देना ही होगा। अमरत्व का कोई और उपाय सोचो वृत्र। तुम्हारी अखंड तपस्या के उपरांत भी मैं वही वरदान दूंगा जो दे सकता हूं। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा कौन सा वरदान दे सकते हैं जिससे मुझे कोई न मार सके? मारने वाला किसी को अस्त्र शस्त्रों से ही मार सकता है वृत्र। तुम स्वयं यज्ञ से उत्पन्न हुए हो, अपनी शक्तियों से तुम भलीभांति परिचित हो। ऐसा वरदान मांगो जो तुम्हारी शक्तियों को विच्छेद न कर सके। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई मुझे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से न मार सके, न काट के अस्त्र शस्त्रों से मार सके, न लोहे के अस्त्र शस्त्रों से मार सके, न गीले अस्त्र शस्त्रों से मार सके, न सूखे अस्त्र शस्त्रों से मार सके, न दिन में मार सके न रात में मार सके, न पृथ्वी पर मार सके न आकाश में। अब आप ही बताइए ब्रह्मदेव, आपसे ऐसा वरदान प्राप्त करने के पश्चात कोई मुझे कैसे मार सकेगा? हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान करते हैं वृत्र। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अमर हो गया, अब
मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं रही। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं अमर हूं। प्रणाम यज्ञ पिता, मैं ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त करके लौट आया हूं। अब आप मुझे अपनी मनोकामना बताएं, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। धन्य हो यज्ञ पुत्र वृत्र, अब मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया है कि तुम मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करोगे। किंतु वरदान मांगते समय तुमसे कोई भूल तो नहीं हुई? क्योंकि एक शब्द भी भूल भरा हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मैंने अपनी मृत्यु की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं उस वरदान से। अब किसी का कोई भी अस्त्र या शस्त्र मेरे प्राण का हरण नहीं कर सकता, चाहे वो लोह का हो या काठ का हो। दिन और रात्रि के किसी भी प्रहर में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। आप निश्चिंत रहें यज्ञ पिता, आपकी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात भी मैं अनंत काल तक आपकी सेवा करता रहूंगा। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। अब मेरी मनोकामना सुनो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुझे स्वर्ग में आतिथ्य दिया, परंतु कार्य सिद्ध न पूर्ण करने पर उसने समस्त देवताओं के समक्ष मेरा घोर अपमान किया एवं मुझे स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया। अपमान की ज्वाला में जल रहा हूं। उस कपटी इंद्र से तुम्हें मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना है पुत्र। उस अपराधी इंद्र ने आपका अपमान ही नहीं किया है यज्ञ पिता, बल्कि उसने अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। किंतु पुत्र, तुम्हें कपटी इंद्र से सावधान रहना होगा। हाँ। उसे मृत्यु दंड नहीं देना है, उसे तो इस प्रकार अपमानित एवं प्रताड़ित करना है कि उसका जीवन दुखदायी हो जाए। मैं इंद्र से आपके अपमान का ऐसा प्रतिशोध लूंगा जैसा आज तक किसी ने न लिया। उसे स्वर्ग के अधिकारों से वंचित करके उसका जीवन नरक तुल्य बना दूंगा। जाओ, मेरी समस्त यज्ञ शक्तियां, मेरी सिद्धियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। स्वर्ग को आतंकित कर दो, इंद्र को बता दो कि त्वष्टा की सिद्धियों में कितनी शक्ति है। जो आज्ञा। आशीर्वाद। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा शिवाय।